अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैफ अली। इलम से को मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सोहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग, क्लास है बीकॉम पार्ट टू, और उसका चैप्टर है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। आज हम प्रॉब्लम नंबर 23 सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ समराइज्ड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2010। वर्किंग कैपिटल 1,20,000, रिजर्व एंड सरप्लस 80,000, बैंक ओवरड्राफ्ट ₹20,000, फिक्स्ड एसेट्स और प्रोप्राइटरी फंड्स 0.75, करंट रेशियो 0.2, लिक्विड रेशियो 1.5। देर आर नो लॉन्ग टर्म लोन्स और फिक्टिशियस एसेट्स, ऑल वर्किंग मस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। हमने इन इंफॉर्मेशन को यूज़ करके तो एक बैलेंस शीट ड्रा करनी है एज ऑन 31 दिसंबर 2010। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़, और वो हम करंट रेशियो की मदद से फाइंड करेंगे। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़, करंट रेशियो इज़ इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज़, और हमें इसका आंसर दिया गया है करंट रेशियो का 2.5। 2.5 का मतलब है 2.5:1, इनमें रिलेशन है। करंट एसेट्स का पोर्शन है 2.5 और करंट लायबिलिटीज़ का पोर्शन है 1। हम वर्किंग कैपिटल की मदद से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल इज़ इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल हमारे पास है 1,20,000 और करंट एसेट्स का पोर्शन है हमारे पास 2.5, जबकि लायबिलिटीज़ का 1 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास वर्किंग कैपिटल की रेशियो या उसकी परसेंटेज आएगी 1.5। अब हम फाइंड करेंगे करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल हमारे पास है 1,20,000 रुपये। करंट एसेट्स कैसे फाइंड होंगे? 1,20,000 इसको हम डिवाइड करेंगे जो वर्किंग कैपिटल का पोर्शन है 1.5 पे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 जो कि करंट एसेट्स का पोर्शन है। तो हमारे पास करंट एसेट्स आ जाएंगे। अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 2,00,000 रुपीज़ हमारे पास करंट एसेट्स हैं। इसी तरह हम करंट लायबिलिटीज़ भी फाइंड कर लेंगे। करंट लायबिलिटीज़ कैसे फाइंड होगी? 1,20,000 जो कि वर्किंग कैपिटल है, इसको हम डिवाइड करेंगे वर्किंग कैपिटल के पोर्शन यानी कि 1.5 से, और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ आ जाएंगी। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1, 80,000 हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट हमने लिक्विड एसेट्स और स्टॉक फाइंड करना है। लिक्विड एसेट्स कैसे फाइंड होगा? लिक्विड रेशियो से, और लिक्विड रेशियो का फार्मूला है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। लिक्विड एसेट की रेशियो है हमारे पास 1.5, इसका मतलब है 1.5 लिक्विड एसेट्स हैं और 1 पोर्शन जो है वो करंट लायबिलिटीज़ का है। हम लिक्विड एसेट्स फाइंड करेंगे। जो हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ हैं वो 80,000 है जो कि हमने पहले फाइंड कर ली हुई हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो हमारे पास करंट एसेट्स आ जाएंगे, लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5। 1,20,000 हमारे पास टोटल लिक्विड एसेट्स हैं। अब हमने फाइंड करना है फिक्स्ड एसेट्स एंड प्रोप्राइटरी फंड्स, सॉरी स्टॉक की अभी कैलकुलेशन करनी बाकी है। स्टॉक हम कैसे फाइंड करेंगे? जो कि हमारे टोटल करंट एसेट्स हैं उसमें से हम लिक्विड एसेट्स को अगर लेस कर देते हैं तो हमारे पास स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी, और स्टॉक इज़ इक्वल टू 2,00,000 माइनस 1,20,000, तो 80,000 हमारे पास स्टॉक की अमाउंट वैल्यू है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है फिक्स्ड एसेट्स एंड प्रोप्राइटरी फंड्स। इसमें प्रोप्राइटरी फंड्स कैसे हमने फाइंड करना है? सबसे पहले इसकी रेशियो का फार्मूला लिखेंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो इज़ इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी फंड्स, और इसकी रेशियो है 0.5:1। फिक्स्ड एसेट्स का जो पोर्शन है वो 0.5 है, और जो प्रोप्राइटरी फंड्स हैं वो 0.25 होंगे।
अब हमने फाइंड करना है प्रोप्राइटरी फंड्स। और प्रोप्राइटरी फंड्स कैसे फाइंड होते हैं, इसके लिए हमें दो तीन फार्मूले चाहिए होंगे। सबसे पहले तो नेट फिक्स्ड एसेट्स, और नेट फिक्स्ड एसेट्स कैसे फाइंड होते हैं, हमने फिक्स्ड एसेट्स में से लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज़ हैं उनको लेस करना है, तो हमारे पास नेट फिक्स्ड एसेट्स की अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद हमने वर्किंग कैपिटल फाइंड करना है, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और इसका फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। देन प्रोप्राइटरी फंड्स, टोटल एसेट्स में से हम टोटल लायबिलिटीज़ को लेस कर देते हैं, तो जो अमाउंट बचती है वो प्रोप्राइटरी फंड्स होते हैं। प्रोप्राइटरी फंड्स इज़ इक्वल टू नेट फिक्स्ड एसेट्स, जो इनका आंसर होगा, प्लस वर्किंग कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल का आंसर होगा। इन दोनों को हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास प्रोप्राइटरी फंड्स आ जाएंगे। और प्रोप्राइटरी फंड्स इज़ इक्वल टू 0.75 प्लस 0.25। वी हैव वर्किंग कैपिटल एज रुपीज़ 1,20,000। हमारे पास वर्किंग कैपिटल 1,20,000 रुपये है, तो हम प्रोप्राइटरी फंड्स फाइंड कर लेंगे। 1,20,000 को 0.25 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। प्रोप्राइटरी फंड्स इज इक्वल टू 1,20,000 डिवाइडेड बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि ये 0.75 फिक्स्ड एसेट्स का पोर्शन है, और जो प्रोप्राइटरी फंड्स हैं उसका पोर्शन डेफिनेट सी बात है 0.25 होगा, तभी इन दोनों को मिला के तो प्रोप्राइटरी फंड्स बनते हैं। हमने 1,20,000 को 0.25 से डिवाइड किया है और मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो हमारे पास प्रोप्राइटरी फंड्स आ गए 1,20,000 डिवाइडेड बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1, 4,80,000 हमारे पास प्रोप्राइटरी फंड्स हैं। अब हम फिक्स्ड एसेट्स भी फाइंड कर लेंगे इसी तरह। फिक्स्ड एसेट्स में हम क्या करेंगे, 1,20,000 को 0.75 से हम डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू 1,20,000 डिवाइडेड बाय 0.25, जो कि प्रोप्राइटरी रेशो का फार्मूला है, पोर्शन है उसका, और जो फिक्स्ड एसेट्स का पोर्शन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 से। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.75, 3,60,000 हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स का आंसर है। अब हमने इन फिगर्स को यूज़ करके तो बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड को क्लियर करते हैं। इसमें सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। तो हमारे पास कैपिटल है 4,00,000 रुपीज़ और रिज़र्व है 80,000, तो टोटल हमारे पास इनका हो गया 4,80,000। अब हम इनमें रिकॉर्ड करेंगे करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास सबसे पहले है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट है 20,000 एंड देन अदर करंट लायबिलिटीज़ वो है 60,000, और इन दोनों को हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास टोटल करंट लायबिलिटीज़ का आंसर आ जाएगा 80,000, जो कि हमने फाइंड किया हुआ था। जब हम इनको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास 5,60,000 आंसर आ जाएगा लायबिलिटी साइड का, और बैलेंस शीट की एक साइड का जो आंसर होता है दूसरी साइड का भी आंसर सेम होता है। अब हम देखते हैं एसेट साइड पे हमारे पास क्या कुछ है। सबसे पहले हमने जो फिक्स्ड एसेट्स फाइंड किए थे वो लिखेंगे रुपीज़ 3,60,000। उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे करंट एसेट्स को। करंट एसेट्स में हमारे पास स्टॉक है जो हमने फाइंड किया था 80,000, और लिक्विड एसेट्स हैं 1,20,000, तो इन दोनों का आंसर भी 2,00,000 हो गया। इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे एसेट साइड के दोनों अमाउंट्स को 3,60,000 और 2,00,000 को, तो हमारे पास आंसर 5,60,000 ही आएगा। तो यहीं पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाज़रीन।